हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संपादकीय हिंदी डिक्टेशन में। इसी तरह के डेली नए और सबसे पहले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। इस वक्त महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब लगभग पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच गई है। डीजल भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई थी। अभी प्राकृतिक गैस यानी CNG और पाइप के जरिए घरों में पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी PNG की दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। स्वाभाविक ही इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कोरोना काल में बाजार, कारोबार, उद्योग धंधे बंद होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। लाखों लोगों की वेतन वाली नौकरियां जा चुकी हैं। निजी संस्थानों में कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती की गई है। जो फेरी लगाने, मिस्त्री गिरी, इधर से उधर सामान पहुंचाने वगैरह का काम किया करते थे, उनके धंधे में भारी गिरावट आई है। ऐसे में देश के हर वर्ग के सामने अपने दैनिक खर्च में संतुलन बैठाना मुश्किल हो रहा है, जिस पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि की ऊपर चढ़ती कीमतें उनकी चुनौतियां और बढ़ा रही हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। उनकी उत्पादन लागत, ढुलाई आदि पर खर्च बढ़ जाता है, जिसे अंतिम रूप से आम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। लोगों की कमाई लगातार घटी गई है और उनके रोज के यातायात और खाने पीने पर खर्च बढ़ते गए हैं। इसके अलावा बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़े दूसरे खर्चों को संभालना मुश्किल है। स्थिति यह है कि इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। उसे काबू में करने के तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं। बैंकों की ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर रखी गई हैं ताकि बाजार में कुछ गति आए, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि लोगों की क्रय शक्ति काफी कम हो गई है और उन्हें जब रोजमर्रा के खर्च पूरा करने में ही हाथ रोक कर चलना पड़ रहा है, तो दूसरे टिकाऊ सामान और विलासिता की चीजों पर उनके खर्च की उम्मीद ही भला कैसे की जा सकती है। स्वाभाविक ही महंगाई की सबसे बुरी मार निर्धन और औसत आय वाले परिवारों पर पड़ती है। यह सब जानते हुए भी सरकार की तरफ से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने के व्यवहारिक उपाय नजर नहीं आ रहे। यह ठीक है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है तो उसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ती है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इस तर्क के साथ सीधे अतिरिक्त कर लगाए थे कि उस राशि का उपयोग तेल संकट के समय में किया जाएगा। उस राशि से तेल पूल बनाने की भी योजना थी। उस कर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, पर तेल संकट से उभरने की दिशा में एक भी उपाय नजर नहीं आता। कुछ राज्य सरकारों ने तेल पर अपने करों में कटौती की है, मगर उसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकला है। जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस
और प्राकृतिक गैस की कीमतों को संतुलित करने के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाती, तब तक आम लोगों की मुश्किलें शायद ही कम हो। ऐसा जीवन अर्जित कर पाना कम ही लोगों के लिए मुमकिन हो पाता है, जिसके हिस्से में दर्ज सफर किसी के लिए रास्ता बनाने में मददगार हो तो कोई उसे अपनी मंजिल के सामने छाए धुंधलके को साफ कर सके। दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें भारतीय फिल्मों के अभिनय के बादशाह के तौर पर जाना जाता रहा, मगर इसके समांतर वे इतने ही बेहतरीन और सलीके वाले शख्स थे। यूं अपने लंबे सफर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किए वे यह बताने के लिए काफी हैं कि किसी कोने में छिपी काबिलियत जब अपने कदम बढ़ा देती है तो उसकी राहों में खड़ी होने वाली अड़चने अपने आप साफ होती चली जाती हैं। दिलीप कुमार ने जब फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे थे तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में वे न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर जाने जाएंगे बल्कि सिनेमा का सरताज मानी जाने वाली शख्सियतें भी उन्हें एक संस्था की शक्ल में याद करके इज्जत बख्शेंगी। गौरतलब है कि बुधवार को 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली, लेकिन फिल्मी दुनिया में प्रतिभा और कामयाबियों के समांतर अपनी जिंदगी में हासिल सम्मान के साथ अब वे हमेशा के लिए एक दर्ज हो चुके अध्याय के तौर पर जाने जाएंगे। यह बेवजह नहीं है कि उनके निधन के बाद यह कहा जा रहा है कि उनका जाना दरअसल भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। दरअसल दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के पिता मुंबई में फलों के कारोबारी थे और वे भी उसी में अपनी जमीन बना रहे थे, लेकिन महज संयोग से उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई और वहीं से वे दिलीप कुमार भी बने और अपने फिल्मी सफर की कहानी की शुरुआत भी की ही। फिल्म ज्वार भाटा के जरिए उनकी काबिलियत की पहचान कई मशहूर फिल्म निर्माताओं को हो गई थी और उसके बाद उनके लिए रास्ता साफ आगे बढ़ने का था। अपने 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने 63 फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दौर अभिनय और कला को उन्होंने जो मायने दिए और परिभाषा दी वह अब सिनेमा की दुनिया में एक दस्तावेज के तौर पर हमेशा सुरक्षित रहेगा। उनके ज्यादातर समकालीन मशहूर कलाकार जहां अदाकारी की एक खास शैली की वजह चर्चित हुए, वहीं दिलीप कुमार ने अपने अभिनय में जितने आयाम पेश किए उनसे उनके कामों के दायरों को नया विस्तार दिया। हर किरदार में डूब जाने के उनके सलीके को इस तरह समझा जा सकता है कि कोहेनूर में सिर्फ एक गाने में सितार बजाने की भूमिका के लिए उन्होंने सितार सीखने में लंबा वक्त दिया तो नया दौर में टांगा चलाने के दृश्य को ठीक से करने के लिए उन्होंने टांगा चलाने वालों से बाकायदा उसका प्रशिक्षण लिया। उनकी इसी संपूर्णता की धुन की वजह से जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने उन्हें मैथड अभिनेता कहा था। दूसरी ओर प्रेम में दिल टूटने के दुख को पर्दे पर समूची संवेदना के साथ उतार देने के चलते उन्हें ट्रेजेडी किंग का भी खिताब मिला। भारत में जहां उन्हें दादा साहब फाल्के पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वहीं पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा था।
उनकी ख्याति सम्मान और स्वीकार्यता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी मौत की खबर ने जहां भारत में अमूमन हर सामाजिक सरोकार रखने वालों को मायूस कर दिया, वहीं दुनिया के कई हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्हें उतनी ही इज्जत के साथ याद किया गया। स्टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, or subscribe.